न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन सीएम तथा गोरख पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में वैदिक मंत्रों के बीच किया कलश स्थापना। मुख्य पुजारी के नेतृत्व में निकली शोभा यात्रा। निरस्त परीक्षा को अतिशीघ्र कराने की मांग को लेकर सीएम आवास कूच कर रहे बीटीसी प्रशिक्षकों पर पुलिस ने मारा पानी का बौछार, धर्मशाला बाजार पर ही रोका। चोरी की 6 बाइक के साथ एक अभियुक्त चढ़ा पुलिस के हत्थे, एसपी नार्थ ने किया खुलासा। बनकटवा प्राथमिक स्कूल के जीर्णोद्धार का सीडीओ ने किया उद्घाटन। शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ाया पाठ, कहा अच्छी व्यवस्था भी देती है संस्कार। गोरखपुर न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर। 25,000 के इनामी बदमाश चढ़ा पुलिस के हत्थे, एसपी नार्थ ने कहा काफी दिनों से चल रहा था फरार। नवरात्रि पर जिलाधिकारी ने दी जनपद वासियों को शुभकामनाएं, कहा त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन कटिबद्ध। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिला अस्पताल में लगाया जन जागरूकता शिविर, मानसिक रोग से बचने के लिए किया गया जागरूक। चोरी के 5 मोबाइल सेट के साथ एक शातिर चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल में लगाए गए शिविर में 87 मरीजों के जांच कर वितरित की गई दवा। दशहरा और दीपावली पर्व में बावर्दी नजर आएंगे सिविल डिफेंस के वार्डन, डीएम ने वितरित किया वर्दी, कहा त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने में सिविल डिफेंस की होती है महत्वपूर्ण भूमिका। विभिन्न मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ ने 9 दिवसीय उपवास रखकर शुरू किया विरोध। शारदीय नवरात्र के अवसर पर पचपेड़वा स्थित माता मातेश्वरी दरबार से निकली भव्य कलश शोभा यात्रा। राप्ती नदी से जल लेने के बाद किया कलश स्थापना। सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज पर चल रहे 2 दिवसीय वार्षिक खेल समारोह का हुआ समापन। मुख्य अतिथि ने विजयी खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर किया सम्मानित। और 98वीं लक्ष्य वरिष्ठ उत्तर प्रदेश स्टेट बास्केटबॉल महिला और पुरुष चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग में यूपी पुलिस और महिला वर्ग में आजमगढ़ की रोमांचक जीत।